हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के एक और नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग हिस्ट्री के दो तीन वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसके और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर बचे हैं, उसको भी हम कम्प्लीट करेंगे। उसके अलावा ऑलरेडी मैंने पॉलिटी का आपको डिस्कशन हम लोगों ने कर चुके हैं, उसको सारा कवर किया है। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि प्लीज़ आप चीज़ों को जो भी मैंने आपको कवर कराया है और आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसका आप प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आप रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर रिकॉल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप रिवीजन करते रहेंगे। चूंकि हम एक बहुत अच्छे ढंग से स्टोरी टाइप की चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन से समझने की भी कोशिश करते हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल। एंड दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो कोर्स लॉन्च बाई पिनाकल टीम। आप लोगों में से जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोर्स आपके जो स्क्रीन पे दोनों किताबें दिख रही हैं, इसी का बेसिकली एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो कोर्स है। और इस वीडियो कोर्स को अगर आपने अच्छे से कवर किया और उसके साथ साथ अगर आपने इस स्क्रीन पे जो किताब आपको दिख रही है दोनों, इसका आपने मल्टीपल रिविजन किया, तो मैं अपने तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि आपका जो स्कोर है डेफिनेटली बूस्ट होगा, बशर्ते आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है और एक टाइम डिफाइन करके अपना कुछ टाइम इस वीडियो कोर्स को भी देना है। इस वीडियो कोर्स को आप हमारे वेबसाइट से या हमारे एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से परचेज कर सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं, बाकी लोगों को तो पता ही है। इसके अलावा ये जो किताब है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अगर आपके पास ये किताब नहीं है, प्लीज़ बाई दिस एंड रिवाइज दिस मल्टीपल टाइम्स। बहुत अच्छे ढंग से इस बुक में भी हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, विच विल हेल्प यू डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन। I hope you people are enjoying this video series. This exclusive video series is designed to increase your marks inside the examination hall, the SSC examination, क्योंकि इस बार जो vacancies हैं, that is 37,000. Apart from this 37,000, let me tell you, मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है, अगले एक साल तक बहुत ज़्यादा vacancy आ रही है। आप लोग एकदम तैयार रहिए, बहुत ज़्यादा vacancies में जो job होने के chances हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। Pinnacle की पूरी team आपके लिए मेहनत कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम जितना मेहनत आपके लिए करते हैं, इसका आधा भी आप मेहनत करोगे, तो आप एसएससी में बहुत अच्छे रैंक से पास कर सकते हो। आइए बिना किसी देरी के हम अपने हिस्ट्री के इतिहास के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर से इतिहास के 50 बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने आज जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, चोला डायनेस्टी का। बताइए चोला इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब तिरुनामुटकन्नी एज, ठीक है, चोला इंस्क्रिप्शन जो है वो तिरुनामुटकन्नी को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णित करते हैं, किस ढंग से आपको बताना है। चोला शिलालेख तिरुनामुटकन्नी को किस रूप में वर्णित करते हैं ये आपको बताना है। बेसिकली चोला जो डायनेस्टी था, रूलर था, उसमें तिरुनामुटकन्नी किस चीज को कहते हैं ये आपको बताना है। ये शब्द चोला के समय चोला रूलर्स यूज करते थे, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, यही आपको बताना है। यस, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे डायनेस्टी या बहुत सारे रूलर्स होते हैं जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, रेवेन्यू के रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उससे जो टर्म्स होते हैं उससे प्रश्न एग्जाम्स हमें आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के याद करना है। बताइए, देखिए इसका जो अर्थ है उसका है लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ठीक है, मंदिरों को उपहार में दी गई जो भूमि है उसी को कहते हैं तिरुनामुटकन्नी, ठीक है, याद रहेगा तिरुनामुटकन्नी। और बेसिकली चोला टाइम में 5 टाइप्स ऑफ लैंड जो है वो एज अ गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है, एज अ गिफ्ट दिया जाता था, 5 टाइप्स ऑफ लैंड जो है वो एज अ गिफ्ट दिया जाता है। हम पांचों एक बार देख लेते हैं, प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू। तो एक तो आपको मैंने बता दिया तिरुनामुटकन्नी, जिसका अर्थ होता है मंदिरों को जो गिफ्ट दी जाती है भूमि उसको कहते हैं तिरुनामुटकन्नी, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं, एक होता है आपका विल्लन वगई, विल्लन वगई, विल्लन वगई जो जमीन होता है वो नॉन ब्राह्मण्स को देने वाला है, ठीक है, जो नॉन ब्राह्मिन्स को लैंड देते हैं उसको कहते हैं विल्लन वगई, ठीक है। उसके अलावा है एक ब्रह्म ब्रह्मदेव, ये देखिए ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव उसके लिए, ये ब्राह्मण के लिए, जो
जो ब्राह्मण को वो जो लैंड देते थे उसको क्या कहते थे, ब्रह्म देह कहते थे, ठीक है। उसके बाद है साला भोगा। साला भोगा किसके लिए है? साला भोगा जो है वो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, फॉर स्कूल, ये स्कूल के लिए, ठीक है। और एक जो लैंड है मैं आपको बताता हूं, वो है यहां देखते हैं, पल्ली चंदम। पल्ली चंदम जो है वो किसको दिया जाता है? वो जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया जाता है, ठीक है, जैन्स इंस्टीट्यूशन, ठीक। ये पांच तरह के जो लैंड गिफ्ट है वो दिए जाते थे, और इसको प्लीज याद रखिएगा क्योंकि त्रिपुटकल्ली पूछा गया है, और बाकी जो चारों मैंने आपको बताया ये भी आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोला एम्पायर टेम्पल। निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है, ये आपको बताना है। बादामी केव टेम्पल, चित्रकाव मंदिर, इरावतेश्वर मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर, बताइए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोला एम्पायर टेम्पल। चोला साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण इन चारों में से क्या है, आपको बताना है। राइट आंसर इज इरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है, इरावतेश्वर टेम्पल। और इरावतेश्वर टेम्पल को बनाया किसने था? इसको बनाया था राजा राजा चोला टू, ठीक है। और ये जो टेम्पल है ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी है इरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब बाई चोला इंस्क्रिप्शन। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इनसे कौन है सही जोड़ी। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, यस, मैंने आपको बताया था कि पल्ली जनचंदन जो है दैट इज अ लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। तभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जो पल्ली चंदम है ये एक लैंड है जो कि जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट होता है, ठीक है, बाकी जो सुमेलित है वो सारे गलत है, ठीक। देखिए ब्रह्मदेव मैंने आपको बताया था, ब्रह्मदेव टेम्पल नहीं, ये किसके लिए होता है? ये ब्राह्मण के लिए होता है, ठीक है। और टेम्पल के लिए मैंने आप डिस्कस किया था, तिरुमुरुकल्ली जो था वो टेम्पल के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बताइए व्हाट डिड द टर्म साला भोगा स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंपीरियल चोलास। भगवान महावीर का, अच्छा ये तो गलत है हिंदी ट्रांसलेशन, आपको इंग्लिश में बताना है, ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। ये बताइए व्हाट डिड द टर्म साला भोगा स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंपीरियल चोलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टर्म साल भोगा स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंपीरियल चोलास। राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में जो साल भोग है उसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। यस, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? मैंने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लैंड डोनेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है, ये साल जो है ये भी एक तरह का लैंड गिफ्ट है, और ये क्यों दिया जाता है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टेम्पल फॉर गॉडेस निसुंभ सुंदरी वॉज बिल्ट बाय, देवी निसुंभ सुंदरी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है ये आपको बताना है, पल्लव, चोल्स, गुप्ता डायनेस्टी या मुत्तारैयर। यस, द टेम्पल ऑफ गॉडेस निसुंभ सुंदरी मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया था चोलास के द्वारा, और चोलास के एक राजा थे जिनका नाम था विजय लिया, ठीक है, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, ठीक है। चोल एम्पायर के जो किंग थे, विजयलिया एक राजा थे, इन शासक थे, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स अंडर द चोल डायनेस्टी वर नोन एज, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था यह आपको बताना है, नाडू, मुवेदवल्लन, उर या तालुका। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स अंडर द चोला डायनेस्टी वेयर नोन एज, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स अंडर चोल डायनेस्टी नोन एज। किसानों की बस्तियों को उर के नाम से जानते थे, ठीक है, उर के नाम से जानते थे, और उर जो था एक बहुत बड़े एरिया जिसको नाडु कहते थे उसका पार्ट हुआ करता था नाडु, तो नाडु का पार्ट था उर, और उर जो है किसानों की बस्तियों के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोला और द कॉन्क्वेरर ऑफ द रिवर गंगा, गंगाई कोंडा चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किस राजा को है ये आपको बताना है, राजाधिराज चोल, राजा राज चोल, राजेंद्र चोल या विजयलिया चोल। यस, क्या होगा आंसर बताइए। राइट आंसर विल बी राजेंद्र चोल वन, ठीक है, राजेंद्र चोल चोल वन इज द राइट आंसर। और इनको किस नाम से जानते थे, गगन कोंडो चोल, ठीक है, और इनको क्या कहते थे, कॉन्क्वरर ऑफ द रिवर गैंजेस, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, विच वॉज द फॉलोइंग एज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ये आपको बताना है, इन चारों में से कौन एक प्राचीन भारत का बंदरगाह शहर था ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। यस, तो ताम्रलिप्त इज द टाउन विच वॉज अ पोर्ट सिटी इन एंशियंट इंडिया, ठीक है, और ये कहां पे था, इट इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, इट वॉज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बंगाल इन द एंशियंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फिशिंग कॉलोनी दैट वॉज यूज एज अ पोर्ट फॉर ट्रेडिंग विथ रोमन्स एंड ग्रीक रोमन्स इन एंशियंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसको उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार के लिए किया जाता था आपको बताना है। यस, व्हाट वुड द राइट आंसर, राइट आंसर विल बी अरिकामेडू, अरिकामेडू विल बी द राइट आंसर। लोथाल हमने डिस्कस किया था, ये भी एक बंदरगाह है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में, ये गुजरात में है, बदामी यू पीपल नो इट इज फ्रॉम कर्नाटका, ये भी प्रश्न आ सकता है कि बदामी कहाँ है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
और ये जो है ये है तेलंगाना में, ये है तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामियम रोट ऑन टैबलेट्स मेड ऑफ, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज से बनी तख्तियों पर लिखते थे, ये आपको बताना है। किस चीज के बने तख्तियों पे मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लिखते थे, ये आपको बताना है। यस, तो ये जो तख्ती होती थी वो क्ले की होती थी, ठीक है। और क्ले क्या होता है, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोत्रा प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी बी, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्रा वे आर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्रा वॉज नेम्ड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंट्रीब्यूटर टू द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता थे, ये आपको बताना है। हर्षा, भास, चरक या पन्नी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इनके बारे में सुना होगा। चरक संहिता एक इनकी बुक है जो बहुत ही मशहूर चिकित्सा के ऊपर बुक है और प्राचीन काल की बुक है, और वो बहुत ही अभी भी काफी कॉन्टेम्प्रेरी और रेलिवेंट बुक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। इनकी एक जो बुक आती है वो है चरक संहिता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हर्षा ने भी कुछ किताबें लिखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि नागा नंदा रत्नावली और प्रिया दर्शिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चरक संहिता आप बिल्कुल याद रखिएगा कि चरक जो है ये एंशियंट टाइम के एक डॉक्टर थे और मेडिसिन पे इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता, ठीक है। अगला पूछ लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनोमर, निम्नलिखित से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद है, ये आपको बताना है। यस, कौन थे एक भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद प्राचीन भारत में, आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन से, ही वॉज अ एस्ट्रोनोमर, ठीक है, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर। अमलानंद, नागार्जुन, वाराही मिहिर, बाणभट्ट, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज वराह मिहिर, वराह मिहिर इज द राइट आंसर। ही वॉज एन एस्ट्रोनोमर इन एंशियंट टाइम, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, एंशियंट इंडियन मैनुस्क्रिप्ट वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीव्स और द बार्क ऑफ विच ट्री विच ग्रोज इन हिमालयाज, ठीक है। प्राचीन भारतीय पंडुलिपियां आमतौर पर तार के पत्ते या हिमालय में उगने वाले किस पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बॉक्सवुड, मेपल, बुर्ज या देवदार। यस, जो एंशियंट इंडिया में जो मैनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो यूजुअली या तो पाम ट्री पे लिखे जाते थे, ठीक है, ताड़ के पत्तों पे, या बार्क छाल जो होते हैं उस पे लिखे जाते थे। वो कौन सा पेड़ है जिसके छाल पे लिखा जाता था, उसका नाम है बिर्च, जिसको बुर्ज कहते हैं, ठीक है। बिर्च एक पेड़ है जो हिमालय में पाया जाता है, उसके बार्क पे लिखा जाता था, ठीक है, उसके जो छाल होते हैं उस पर लिखा जाता था।
बताइए, आजकल आप किताब कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं, और देखिए एंशिएंट टाइम में, उस टाइम में लोग छाल पे, लकड़ी पे लिखा करते थे। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो नथिंग इज पॉसिबल, यू कैन राइट एवरीवेयर, यू कैन राइट एनीवेयर, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, विच प्लेस हैड अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ द गंगा रिवर इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी, आपको बताना है। यस, विच प्लेस हैड अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ गंगा रिवर इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। वट वुड बी द राइट आंसर। यस, राइट आंसर इज श्रृंगवेरापुरम। श्रृंगवेरापुर इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या था, एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जेट यूज टू चैनलाइज द फ्लड वाटर, ठीक है, बाढ़ का जो पानी था उसको प्रवाहित करने वाला जल संचलन प्रणाली यहाँ पे था, ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न को देते हैं, बताइए विथ रेफरेंस टू अर्ली इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, यह आपको बताना है। बाणभट्ट, विशाखदत्त, हरिसेन या चरक। हमने इसको डिस्कस भी किया था। यस, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा चरक। चरक इज द राइट आंसर, ठीक है। चरक जो थे वो मेडिसिन के ऊपर बुक भी लिखे थे जिसको हम कहते हैं चरक संहिता, ठीक है, याद रखिएगा। और तुरंत हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था, ठीक है, फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में ये फेमस थे चरक। अगला प्रश्न लेते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विच एम्पायर इन द सेकेंड सेंचुरी CE। दूसरी शताब्दी ईस्वी में गौतमी पुत्र सतकर्णी किस साम्राज्य के एक महान शासक थे, आपको बताना है। यस, बताइए। यस, राइट आंसर इज सातवाहन, ठीक है। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन, ठीक है, इन सेकेंड सेंचुरी CE। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाई निंगथौजा डायनेस्टी। निंगथौजा वंश जो है वो किस स्टेट को रूल करता है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा आपको नेम से नॉर्थ ईस्ट की फीलिंग आ रही होगी, नॉर्थ ईस्ट का नाम जैसा लग रहा है। यस, द राइट आंसर इज मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में ये वंश था निंगथौजा डायनेस्टी, बिल्कुल याद रहना चाहिए, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज, ठीक है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में अवगत भी हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, निम्नलिखित में से बेसिकली किस देवता को समर्पित है, ये आपको बताना है। शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, या भगवान राम, या गणेश भगवान, बताइए। यस, ये वो एलिफेंटा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, राइट आंसर इज लॉर्ड शिव, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित ये केव है, ये इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न को लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स विल यू फाइंड गोपुरम्स। निम्नलिखित मंदिरों में कहाँ गोपुरम मिलेगा, ये आपको बताना है। गोपुरम मैंने आपको पहले बताया था, गोपुरम बेसिकली एक मंदिर का मेन गेट हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कुछ आकार हुआ करता था, इसी को गोपुरम कहते थे, ये मेन गेट पे ये होता था, इसको गोपुरम कहते हैं। तो गोपुरम आपको शिवा टेम्पल चिदंबरम में देखने को मिलेगा, शिवा टेम्पल चिदंबरम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैसूर पैलेस वॉज रेसिडेंस ऑफ द, मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान था, ये आपको बताना है अपने सामने चार ऑप्शन से। मैसूर पैलेस में कौन रहते थे बताइए, चंदेल, पलास, बुंदेल या वाडियार। यस, मैसूर पैलेस में कौन रेसिडेंट करते थे, रेसिडेंट किसका था, ये था वाडियार का। ठीक है, एंड दे रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1399 टू 950। ठीक है, इतने सालों तक इन्होंने मैसूर को रूल किया है और जिनका जो निवास स्थान था वो था मैसूर पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। पत्तचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है, ये आपको बताना है। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड ब्रह्मा या लॉर्ड शिवा। बताइए, एक आर्ट आर्ट है एक तरह की, ठीक है, एक कला है पत्त चित्रकला, आपको बताना है कि ये किस हिंदू लॉर्ड को डेडिकेटेड है। यस, भगवान जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ इज द राइट आंसर। पत्त चित्रकला ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कला है और लॉर्ड जगन्नाथ को ये डेडिकेटेड है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ट इन 12th century AD बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पीरर्स। उड़ीसा का सूर्य मंदिर बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, आप सभी लोग उसके बारे में जानते होंगे। ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस सम्राट द्वारा उसको बनाया गया था, ये आपको बताना है। बताइए, यस, राइट आंसर इज नरसिंह देव वन। ठीक है, नरसिंह देव वन। तो ये जो सन टेम्पल है इसको प्लीज याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है और उसको बनाने वाले का नाम है नरसिंह देव वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णदेव आर्य। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राजशिल्प पर एक कृति है, ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन है वो एक कृति जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णदेव राय। जैसे कि स्टेट क्राफ्ट में कौटिल्या की भी एक बुक है अर्थशास्त्र, वो भी स्टेट क्राफ्ट पे है। कृष्णदेव राय ने भी स्टेट क्राफ्ट पे एक बुक लिखी है जिसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है बताइए, क्या है उस बुक का नाम, कृष्णदेव राय जो है आप जानते हैं विजय नगर साम्राज्य के एक शासक थे और उनके द्वारा जो किताब लिखी गई स्टेट तौर पे उसका नाम है अमुत माल्य। ठीक है, दिस इज द बुक रिटन बाय कृष्णदेव राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैश्विक फिलोसफी। ठीक है, वैशेषिक फिलोसफी जो है उसके जो बेसिक टेक्स्ट है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। वैशेषिक फिलोसफी जो है उसका मूल पाठ किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है। स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसको कहते हैं वैशेषिक दर्शन, उसका जो मूल पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको इन चारों में से बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। कर्नाड, शंकराचार्य, पतंजलि या जैमिनी। यस, राइट आंसर इज कर्नाड, कर्नाड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, द स्टोरी ऑफ मयनमती एंड गोपी चंद्रा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। मयनमती और गोपी चंद्रा की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नाथ साहित्य,
चंडी मंगल काव्य, मानस मंगल काव्य या संस्कृत महाकाव्य? अच्छे से सोच के बताइए इसका क्या आंसर होगा। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है ये, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस साहित्य कृति का हिस्सा है मैनमती और गोपीचंद की कहानी? यस, इट बिलोंग्स टू और इट इज अ पार्ट ऑफ नाथ लिटरेचर। ठीक है, नाथ लिटरेचर इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द राष्ट्रकूता किंगडम? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द राष्ट्रकूता किंगडम? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। कृष्ण वन, दांती दुर्गा, अशोका या अमोघ वर्ष? राष्ट्रकूटा किंगडम के बारे में आप जानते हैं, आपको बताना है कि इसका स्थापना किसने किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है यहां प्रश्न। राष्ट्रकूटा किंगडम, यस द राइट आंसर इज दंती दुर्गा। दंती दुर्गा हैज एस्टेब्लिश राजकुटा किंगडम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई पन्नी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पन्नी द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। रघुवंशम, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति या कथा सरित सागर? पन्नी को द्वारा इन चारों में से कौन सी किताब लिखी गई है, ये आपको बताना है। Which of the following books has written by Panini? तो Panini ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर किताब लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्याय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज को याद रखिएगा, इट वॉज रिटन बाई Panini। ठीक है, Panini इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो इनके बारे में अगर ये प्रश्न है तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, Panini का अष्टाध्यायी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज अ रूलर ऑफ विच किंगडम? विच एरिया, किस जगह के रूलर थे, आप कहां के रूलर थे, आपको बताया जा रहा है, या किस किंगडम के रूलर थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक थे, इन चारों में से कहां के, बताना है, सातवाहन या पूर्वी गंगा, मौर्य या प्रतिहान? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। अगर आप जानते हैं गौतम पुत्र संकर्णी के बारे में तो आप बिल्कुल आंसर बता सकते हैं, इन चारों में से कहां को ये बिलोंग करते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी, यस, ये एक सातवाहन के रूलर थे। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न, यशो विग्रह महीचंद्र एंड चंद्रदेव वेयर द फर्स्ट थ्री रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी? एक डायनेस्टी थे, उसके पहले जो तीन शासक थे वो ये तीनों थे, आपको बताना है कि वो कौन सा डायनेस्टी था। मराठा, चौहान, गढ़वाल या वाडियार? यस, मराठा, चौहान, गढ़वाल या वाडियार? चंद्रदेव, ये किस डायनेस्टी के पहले तीन शासक थे, ये आपके पास पूछा जा रहा है, बताइए। गढ़वाल डायनेस्टी, ऑल ऑफ द थ्री बिलोंग टू गढ़वाल डायनेस्टी। और इसमें जो ये थे यशो विग्रह, ये थे इसके फाउंडर, ये थे इसके फाउंडर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Who founded Vikramshila University and revived Nalanda University? Vikramshila विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण जीवित किसने किया था, यह आपको बताना है। धर्मपाल, वासुदेव, गोपाल या श्रीगुप्त? यस, बताइए।
किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था और नालंदा का पुनर्जीवित जीवित किया था, ये आपको बताना है। यस, इट इज सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे अमूमन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मपाल। धर्मपाल इज द राइट आंसर। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था और नालंदा को क्या कहते हैं, रिवाइव किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। निम्न में से कौन कुषाण वंश के शासक नहीं थे, क्या पूछा जा रहा है कि शासक नहीं थे, बताइए। नहपान, वशिष्ठ, वासुदेव या हुविस्क, इनमें से कौन थे जो कुषाण जो डायनेस्टी थे उसके शासक नहीं थे। ठीक, तो राइट आंसर इज नहापाना। ठीक है, और नहापाना बिलोंग टू वेस्टर्न क्षत्रपास। ठीक है, इस रूलर इसे को ये बिलोंग करते थे नहापाना, और बाकी जो ये तीनों थे ये कुषाण को बिलोंग करते थे। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न को देखते हैं। द चालुक्य डायनेस्टी वॉज अ मेजर किंगडम इन द विच पार्ट ऑफ इंडिया। चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो भारत के किस प्रमुख भाग का हिस्सा था, आपको बताना है। ईस्टर्न, उस नॉर्दर्न, साउदर्न या वेस्टर्न, बताइए। चालुक्य डायनेस्टी बेसिकली रूल बिटवीन 6th and 12th century। ठीक है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दे बिलोंग टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच वॉज नोन एज प्रज्ञा ज्योतिषा ड्यूरिंग द इपिक पीरियड। क्या प्रश्न है? उस भारतीय राज्य का पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जाना जाता था, बताइए कौन सा है वो राज्य जिसको प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। यस, असम, उड़ीसा, केरला या बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नोन एज प्रज्ञा ज्योतिषा। यस, राइट आंसर विल बी असम। असम को हम लोग प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जानते थे। ठीक है, महाकाव्य काल में। ठीक है, एपिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज द पेंटिंग नेम पद्मपाणि बोधिसत्व फाउंड। निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिली है, ये आपको बताना है। अजंता के चारों गेव हैं, चारों का नंबर दिया हुआ है, K1, 2, 3, 4। क्या अभी कभी आपने पढ़ा है इसके बारे में? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग? यस, इट इज केव नंबर 1। यस, इट इज अजंता केव नंबर 1, जहां पे पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भास्करा वर्मन ऑफ द वर्मना डायनेस्टी रूल्ड इन द विच रीजन ऑफ, बताइए। आपको बताना है कि वर्मन वंश के जो भास्कर वर्मन थे वो किस क्षेत्र के शासक थे, वहां कहाँ पे शासक किया, ये आपको बताना है। वर्मन डायनेस्टी के भास्कर वर्मन, यस, किस क्षेत्र के शासक थे, ये आपको बताना है। तो ही रूल ड्यूरिंग कामरूप रीजन। ठीक, कामरूप रीजन में इन्होंने रूल किया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ वैशाखा स्कूल ऑफ फिलोसफी। निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उस फिलोसफी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वैशेषिक स्कूल से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन है वो, बताइए आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद वेलसेज़ स्कूल ऑफ फिलोसफी। वेलसेज़ का स्कूल ऑफ फिलोसफी से निम्न में से कौन जुड़े हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। यस, राइट आंसर इज कनाड। कनाड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन। उदयगिरी और खंडगिरी प्रसिद्ध गुफाएं कहां पर स्थित हैं, आपको बताना है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। बहुत ही मशहूर गुफाएं हैं उदयगिरी की गुफाएं और खंडगिरी की गुफाएं, आपको बताना है कि ये कहां स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहां स्थित है, आपको बताना है। प्लीज बताइए, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा उड़ीसा। दिस लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। द कथा सरित सागर इज रिटन बाय। कथा सरित सागर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, सोमदेव, जयदेव, कालिदास या भास्य, किसने लिखा है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। बेसिकली इस बुक में ना 11th सेंचुरी की स्टोरीज हैं, और उसके लिखने वाले हैं सोमदेव। ठीक, सोमदेव हैज रिटन दिस बुक द कथा सरित सागर। अगला प्रश्न लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाल राजवंश जो था उसके संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन थे उसके संस्थापक पाल वंश के। धर्मपाल, महीपाल, रामपाल या गोपाल। बेसिकली पाल वंश रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल। ठीक है, बिहार एंड बंगाल। राइट आंसर इज क्या होगा, राइट आंसर ये होगा गोपाल। पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, गोपाल। ठीक है, क्लियर है, ये सब याद रखिएगा। पांडव वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाटू, टुनाडू, वल्लूनाथ एंड थेक्को कुमूर वर द एंशंट स्मॉल टाइम किंगडम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीनों किंगडम थे एंशंट टाइम में, किस राज्य में थे ये आपको बताना है, गुजरात, कर्नाटक, केरल या बिहार। बताइए ये तीनों किंगडम किस राज्य में स्थित थे प्राचीन काल में। देखिए जैसे नाम है उसमें से आप इसलिए बिहार को तो हटा ही सकते हैं, मुझे लगता है गुजरात भी हटा सकते हैं। ठीक है, सब तीनों नाम देखिए साउथ इंडियन नेम्स है। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या है, केरला। केरला इज द राइट आंसर। मैंने बताया है कि जब आपको आंसर का आंसर ना पता हो चारों में से, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता है ये टू और थ्री तो नहीं होगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, वन और फोर में से एक कैलकुलेटिव गेस कर सकते हैं, जो कि सही होने के चांसेस 50% होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। बताइए, व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगिन। विक्रम एरा की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। Yes, when did the Vikram era begin? तो विक्रम एरा बिगिन इन 57 BC। ठीक है, 57 BC। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बताइए, इन विच स्टेट द जोगादा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड। किस राज्य में अशोका का जोगाडा रॉक शिलालेख स्थित है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या उत्तराखंड। जोगाडा रॉक एडिक्ट जो अशोका का है वो कहां पे स्थित है आपको बताना है। यस, इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पे, उड़ीसा में लोकेटेड है धौली हिल्स के पास। ठीक है, धौली हिल्स इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है,
और यहीं पे लोकेटेड है जोगाड़ा रॉक एटिक्स ऑफ अशोक। ठीक है, अगले प्रश्न लेते हैं। तोलका पियर इज अ फेमस एंशियंट ग्रामीण ग्रामेरियन ऑफ द विच लैंग्वेज। तोलका पियर किस भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण विद है? आपको बताना है तोलका पियर के बारे में कि किस भाषा के ग्रामर विद हैं, व्याकरण के विद हैं। तोलका पियर एक किस भाषा में लिखी गई है, बेसिकली आपको यही बताना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या उड़िया। यस, क्या होगा राइट आंसर? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या उड़िया, बताइए। राइट आंसर इज तमिल। तमिल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी, द पुरुषार्थ और द फोर एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड। क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के चार उद्देश्य होते हैं, उनमें से इन चारों में से कौन एक उद्देश्य है जो शामिल नहीं है, आपको बताना है। बताइए इन चारों में से कौन सा एक ऐसा उद्देश्य है जो चार उद्देश्य में शामिल नहीं है, जो एक पुरुषार्थ का उद्देश्य है। यस, काम, मोक्ष, अर्थ। यस, क्या है इसका राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी यस। ये जो काम है, देखिए, एक पहला सबसे पहला जो है वो है अर्थ। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने उपार्जन के बारे में सोचना है, अपने आपका जो लाइफ है उसके बारे में सोचना है कि कैसे आप अपने दो वक्त की रोटी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये अर्थ में आता है। उसके बाद आता है कामों में। कामा बिलोंग टू प्लेजर। जब आपकी जीवन की वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप प्लेजर सीक करते हो। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेजर हो सकते हैं। पैसे यूज करना, जिसमें आप पैसे अर्न करते हो उसको यूज करते हो, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेजर। बेसिकली जो प्लेजर है वो इस रूप में आता है, जिसको काम कहते हैं, और ये दूसरा पुरुषार्थ का दूसरा स्टेज है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका धर्म। धर्म में क्या होता है? धर्म में आप मोरल वैल्यूज सीखते हो। ठीक है, आप बिहेव करना सीखते हो, आप ऐसे कार्य करते हो जिसमें आप भगवान के समीप जाते हो, आप भगवान लॉर्ड के समीप जाते हो। ठीक है, आप ऐसे काम करते हो, ये धर्म का होता है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है वो होता है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में जाता है स्पिरिचुअल वैल्यू सीखते हो, स्पिरिचुअल वैल्यू सीखते हो। ये फोर स्टेज ऑफ लाइफ है जो हर एक इंसान को गुजरना होता है, और गुजरना नहीं भी होता है तो एटलीस्ट गुजरना चाहिए। ठीक है, ये पुरुषार्थ के चार स्टेज है। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट बाई राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी। ठीक है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। कैलाश टेम्पल, आदि कुंभेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर या चित्रा केशव मंदिर। किस मंदिर का इनमें से निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा किया गया है, यह आपको बताना है। यस, द राइट आंसर इज कैलाश टेम्पल। ठीक है, एंड कैलाश टेम्पल आपको पता है इट इज अ पार्ट ऑफ एलोरा केव्स। ठीक है, एलोरा केव्स। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था कृष्णा वन के द्वारा बिटवीन 756 टू 773 AD। ठीक है, कृष्णा वन के द्वारा जो राष्ट्रपिता एक रूलर थे, और वो कैलाश टेम्पल जो है वो एलोरा केव्स का एक पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको इतना को, ये राष्ट्रकूटा रूलर द्वारा ही कैलाश टेम्पल बनाया गया था। इसके साथ आपको ये भी याद करना है कि जो बाकी तीन हैं ये राष्ट्रकूटा रूलर्स नहीं बना पाए हैं, यही होता है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई। आपने एक बार इसको देख लिया तो आपको ये पता चलेगा कि आदि कुंभेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर और चित्रा केशव मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटा ने नहीं बनाया था। और रिवर्सल में इसको बार बार जब आप देखते रहेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु रॉट द बुक अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था, यह आपको बताना है। कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या हरिहर रॉय। हु रॉट द बुक अमुक्त माल्यदा।
बताइए अमुक माल्यदा जो किताब है उसके लेखक निम्न में से कौन है, ये आपको बताना है। यस द राइट आंसर इज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वॉज अ मार्वलस स्कॉलर, बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे और इनकी बहुत सारी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है और हम आगे भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एमोंग द 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के जो अवतार हैं उनमें से इन चारों में से कौन एक नहीं है, आपको बताना है। गरुड़, मत्स्य, कुर्म या वारा, आपको बताना है कि लॉर्ड विष्णु के जो अवतार हैं उनमें से एक कौन नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एमोंग द 10 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में हम जानते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन एक अवतार उस 10 अवतारों में नहीं है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? गरुड़। गरुड़ जो है वो अवतार लॉर्ड विष्णु का नहीं है, ठीक है। बाकी जो चार आपको मत्स्य, कुर्म, वराह देख रहे हैं ये अवतार हैं। अगले प्रश्न लेते हैं। विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में गंधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। कुषाण, गुप्त, मौर्य या चोल। गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये बहुत ही पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट एक स्कूल ऑफ आर्ट है, आपको बताना है कि इसको किसने डेवलप किया था। यस कुषाण, कुषाण डायनेस्टी ने इसको डेवलप किया था, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाई वराह मिहिर। वराह मिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ये आपको बताना है। कुमार सम्भव, शकुंतलम, बृहद संहिता या ऋतु संहार। रिटन बाई वराह मिहिर, इनके द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी बृहद संहिता। बृहद संहिता जो पुस्तक है इसको लिखा है वराह मिहिर ने, और कुमार संभव जो यहाँ आपको दिख रहा है इसको शकुंतलम और ऋतु संहार, ये तीनों बुक को लिखा है कालिदास, और बहुत ही क्वालिटी वाइज बेहतरीन तीनों किताब हैं, ठीक है। कालिदास के द्वारा लिखी गई ये तीनों किताब है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वराह मिहिर ने कौन किताब लिखा है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कालिदास की ये तीनों किताबें हैं, प्लीज़ इनको तीनों को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के हिस्ट्री लेक्चर के 50 क्वेश्चन को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 50 क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लेक्चर के अंदर अगर ही चीज़ों को याद कर लिया जाए। तब तक प्लीज़ बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है या जो भी चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं उसका अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन अगर करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी होगी। और प्लीज़ हर एक दिन अपना टाइम बना के थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए। अगर आप हर एक दिन का टाइम बना के हर एक दिन पढ़ाई करेंगे तो आपको घबराहट भी नहीं होगी और बहुत आसानी से आप देखेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़िए, मन लगा के, बहुत जल्दी हम मिलेंगे नए 50 क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड, प्लीज स्टडी स्मार्टली। थैंक यू सो मच।